जम्मू कश्मीर के रजौरी के रहने वाले शुएब लोन, जो कि बांग्लादेश के ढाका के अंदर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, दुर्भाग्यवश बांग्लादेश के ढाका में एक सड़क हादसे में वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए और पिछले 10 दिन से वो बांग्लादेश के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेरे इलाज उनका उपचार चल रहा था। श्री शोएब लोन साहब के परिवार जनों ने हमसे मुलाकात करके ये निवेदन किया कि वो गरीब परिवार से हैं और हर दिन बांग्लादेश के उस हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए का खर्चा उनको देना पड़ रहा है। हमने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के ऑफिस को यह सूचना दी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यह जानकारी मिलते ही कि शुएब लोन साहब, जो जम्मू कश्मीर के जिला रजौरी के रहने वाले हैं और बांग्लादेश के ढाका में सड़क हादसे का शिकार होने के बाद एक हॉस्पिटल में जो है वो जेरे इलाज चल रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं और क्रिटिकल कंडीशन में हैं, मोदी साहब ने तुरंत बांग्लादेश के अंदर जो भारत के एम्बेसडर हैं उनको कहा कि वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और भारत के एम्बेसडर हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने शुएब लोन साहब और उनके परिवारजनों से मुलाकात की और उनको हर संभव सहायता का उनको विश्वास दिलाया। और आज एयर एम्बुलेंस मोदी साहब ने इंडिया से बांग्लादेश भेजी और वहां से शुएब लोन साहब को भारत लाया जा रहा है और उनको तुरंत एम्स के अंदर शिफ्ट करके वहां उनका उपचार होगा। शुएब लोन साहब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के रहने वाले एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इस मुश्किल वक्त में जिस तरीके से हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने खुद पर्सनल इंटरवेंशन करके जनाब शुएब लोन साहब को बांग्लादेश के ढाका से वापस इंडिया लाया है, ये